कैंपिंग, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? टेंट्स, बारबेक्यू, बॉनफायर और धमाकेदार लोकेशन। इमेजिन करो उस लोकेशन पर पहुंचने तक का रास्ता भी अगर धमाकेदार हो तो लग गए ना ट्रिप में चार चांद। तो ऐसी ही थी कुछ हमारी ट्रिप शिमला की। वो हिमाचल वाला शिमला नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ वाला शिमला, जो कि है मेन पार्ट। Hey guys, तो मैंने बोला था कि हम लोग कोरबा में रुकेंगे एंड हम लोग अभी वहाँ से निकल चुके हैं मेन पार्ट के लिए। बाय द वे, यहाँ से मेन पार्ट 180 किलोमीटर है। हम लोग अकलतरा से 212 किलोमीटर था हम लोग का, सो हम लोग ने कवर कर लिया एंड अभी यहाँ से 180 किलोमीटर, हाँ अराउंड 180 किलोमीटर हो गई। सो लेट नहीं करेंगे और ज़्यादा ब्रेक भी नहीं लेंगे। सो राइट टू मेन पार्ट। और यहाँ पे हमारे व्लॉगर भाई निकाल रहे हैं हमारे लिए भोजन, पूरी सब्जी घर वालों ने भेजी है, जो कि हमने बहुत अच्छा किया कि हम पूरी सब्जी ले आए। पूरी तो देखो, पूरी ही पूरी। एंड सबसे बढ़िया चीज, कभी भी पिकनिक में जाए तो सबसे बढ़िया जो चीज ले जाने के लिए वो है पूरी, आलू की सब्जी और अचार। हाँ, और सैनिटाइजर भी लाए, सैनिटाइज करके खाएंगे हाथ को। चलो चलो शर्माओनी, चलो। अच्छा बच्चा बच्चा बैकअप। सो लंच हो गया, पूरी सब्जी खा ली है एंड अब यहाँ से मेन पार्ट है अराउंड 43 किलोमीटर, जो कि हमने सोचा अगर ऐसी रोड रही तो एक घंटे में कवर हो जाएगा। तो होप सो ऐसी रोड रहे, क्योंकि ख़राब रोड बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं, अब बर्दाश्त करने की हालत में नहीं है। जिधर आप देख रहे, जहाँ जहाँ तक देख रहे हैं, पूरे धान का खेती, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा यानी कि राइस बाउल भी बोला जाता है। तो कितनी अच्छी बात है ये। कंफ्यूजन। अच्छा ये जो बाजार लगा था अभी, अच्छा ठीक, चलो हाँ ठीक बाबा, ठीक धन्यवाद दादा। बाजार तो ये लग रहा है हम लोग को बाजार से मुड़ना था, इधर से कहाँ मुड़ेंगे रास्ते। ये किस रोड में आ गए हम भाई साहब, ये कहाँ आ गए? मैं ये व्यूअर्स को बता रहा था मेन पार्ट का मेन रोड है, ये कहाँ का मेन रोड है? कार में आते तो यहाँ से आते क्या? बाप रे रोड, ओहो ओहो मजा आ गया। यहाँ पे वही वाला हिसाब है, नजरें हटी दुर्घटना घटी। जहाँ मैंने इस साइड देखा व्यू देखने के लिए, पीछे का चक्का फिसलेगा, हम जाएंगे पर मैं व्यू नहीं देखूंगा। मेन पार्ट 33 किलोमीटर, टाइगर पॉइंट 44, जलजली 36। बाय द वे ये मेन पार्ट का रोड हम लोग यहाँ कट चुके हैं, बाकी बातें रास्ते में करेंगे। Try to understand.
मेन पार्ट की घाटियाँ तो बहुत खुश कर रही है हमको। इतना सही मौसम, हल्की सी सनलाइट, जिसमें सब कुछ बहुत सुंदर दिख रहा है। ये हरे भरे पेड़ और मेन पार्ट का मेन रोड, मेन पार्ट 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर मेन पार्ट है। यहाँ का सीन ऐसा है तो मेन पार्ट जो कि फेमस है, जो कि छत्तीसगढ़ का शिमला बोला जाता है, और मेन पार्ट बुला रहा है आ रहे हैं। हाँ, तो मेन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला भी बोला जाता है, और शिमला है तो शिमला में ठंड होती है, तो ठंड हमको यहीं से महसूस होना चालू हो चुकी है। यानी कल सनराइज पे जब नींद खुलेगी तो ठंड बहुत कड़ाके की होगी। ये जाएंगे ऐसे और फिर ऐसे और फिर शार्प टर्न लेंगे ऐसे, प्यार से चलाएंगे, पहुंच जाएंगे, जबरदस्ती जोश दिखाएंगे, होश खो जाएंगे। कहते हैं सफर का मजा मंजिल में नहीं रास्तों में आता है, और मेन पार्ट के इन रास्तों से गुजरने के बाद ये बात अब सच लगने लगी थी। तो रास्तों के मजे तो हमने ले लिए थे, अब बारी थी मंजिल देखने की। तो चलिए, मंजिल कैसी थी, मंजिल की कहानी क्या थी, हम आपको बताएंगे अगले वाले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। दिस इज योर ब्लॉगर रियल इंशू। Keep supporting.